नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज का खास सेगमेंट रहस्य। देश की 10 सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में मेरठ का जीपी ब्लॉक भी शामिल है। मेरठ कैंट में 650 मीटर में फैला जीपी ब्लॉक दरअसल ब्रिटिश काल से भी पहले का वो बंगला है जहां ब्रिटिश सेना का ब्रिगेड कमांड ऑफिस था। उस समय यहाँ काफी ज्यादा आवाजाही रहती थी क्योंकि इसके ठीक बराबर में व्हीलर्स क्लब था। यहाँ अंग्रेज अफसर अपने परिवार के साथ आकर अपनी शामें गुजारते थे। कैंट मॉल रोड पर स्थित जीपी ब्लॉक ने आजादी के बाद भूतिया बंगले की शक्ल ले ली है। जीपी ब्लॉक का सही रखरखाव नहीं होने के कारण बंगले के अंदर और परिसर में काफी जाले, झाड़ियां, पेड़ आदि हो गए और ये बंगला भूतिया बंगले की शक्ल लेने लगा है। लोग दिन में इधर आने से डरने लगे और रात में तो यहां से गुजरने का सवाल ही नहीं। आज भी जीपी ब्लॉक को लेकर यह स्थिति बनी हुई है। इसे देश की 10 सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। दरअसल आजादी के बाद भारतीय सेना का पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया हेडक्वार्टर मेरठ कैंट में कंकड़ खेड़ा रोड पर बनने के बाद से यहां आवाजाही खत्म हो गई थी। हालांकि जीपी ब्लॉक के पीछे ही व्हीलर्स क्लब आज भी चल रहा है, लेकिन भूतिया बंगला माने जाने वाले जीपी ब्लॉक की तरफ आज भी छोटी या बड़ी उम्र के लोग आंख छुपाते हुए गुजरते हैं। ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद जीपी ब्लॉक को भारतीय सेना के स्टोर के तौर पर 1952 तक इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ये करीब 25 साल तक सैन्य अफसरों के क्वार्टर्स बनने तक यहाँ चहल पहल रहती थी, लेकिन बेहतर रखरखाव की कमी के कारण सैन्य अफसर यहाँ से शिफ्ट होने लगे। इसके बाद जीपी ब्लॉक वीरान में तब्दील हो गया और लोग इधर आते हुए भी घबराने लगे। जीपी ब्लॉक के आसपास के लोग बताते हैं कि जीपी ब्लॉक के अंदर इतना वीरान माहौल है कि लोग रात के समय इधर से गुजरने में डरने लगे। 70 और 80 के दशक में रात में जो लोग इधर से गुजरे उन्होंने रात के समय लाल साड़ी पहने एक महिला को हाथ में मोमबत्ती लिए जीपी ब्लॉक परिसर में कभी घूमते देखा तो कभी छत पर बैठे देखा। और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि जीपी ब्लॉक के सेंट्रल हॉल में टेबल के चारों ओर चार लोग बैठकर शराब पी रहे हैं। इन दावों के बाद से लोग और भी ज्यादा डरने लगे। यह स्थिति अब तक बनी हुई है। मेरठ कैंट में बड़ी संख्या में स्कूल और स्कूली बच्चों में भी जीपी ब्लॉक को लेकर यह खौफ अभी तक है। रात को छोटी बड़ी उम्र के लोग मॉल रोड से गुजरने से परहेज करते हैं। मॉल रोड से जीपी ब्लॉक का रास्ता करीब 100 मीटर लंबा है, उसका मुख्य गेट अंदर है। इसके बावजूद भी लोग यहां से गुजरने में खौफ खाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में नहीं, अगर इस वीडियो में कुछ भी देखकर आपको खुशी मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर कहीं से भी नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।